वीवर्स एक ऐसी पवित्र पक्षी की मूर्ति जो अगर किसी के पास भी होगी उन्हें फाइटिंग टेक्निक्स में कोई भी नहीं हरा पाएगा। पर अब ये उन खतरनाक आदिवासियों के हाथों में पड़ चुकी थी जो इंसानों को मारकर जिंदा ही खा लेते थे। कहानी की शुरुआत रोमन आर्मी को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक सोल्जर जिसका नाम मार्कस था उसे कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दरअसल ये आवाजें रोमन आर्मी के दुश्मनों की होती हैं। इसीलिए अब मार्कस सोल्जर्स के एक टीम को लेकर वहाँ देखने चला गया था। तभी अचानक से उन सभी लोगों पर कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं। मार्कस और उसकी टीम अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनसे लड़ाई करते ही जा रहे थे। रोमन आर्मी के उस ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से मार्कस आदिवासियों को भगाने में कामयाब हो जाता है। पर सुबह होने के बाद भी मार्कस अपनी एक टीम को जंगल में जाकर चेक करने के लिए कहता है। अब यहाँ कई घंटे बीत चुके थे लेकिन वो टीम वापस नहीं लौटी थी। तभी मार्कस देखता है कि उन सभी आदिवासियों ने उनके सोल्जर्स को बुरी तरीके से पकड़ रखा है और तो और वो सब एक एक करके सारे सोल्जर्स को जान से मारने लगे थे। मार्कस ये सारी चीजें देख ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी बची हुई पूरी रोमन सेना के साथ आ जाता है आदिवासियों से लड़ाई करने के लिए। लेकिन वो आदिवासी कबीले वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, उनके भी सारे लोग आ जाते हैं सोल्जर्स से फाइट करने के लिए। उन सोल्जर्स को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारे कबीले वाले इतने पावरफुल कैसे हैं। साथ ही साथ कबीले वालों की क्वांटिटी भी बहुत ही ज्यादा थी। मार्कस को पता चल गया था कि इस तरीके से वो सब नहीं जीत सकते, इसलिए अब मार्कस ने उन सभी आदिवासियों के लीडर पर हमला कर दिया था जिससे कि वो तुरंत मारा जाता है। लेकिन उन सारी चीजों में मार्कस को भी काफी चोट लग गई थी और अब तो वो एकदम से बेहोश भी हो जाता है। यहाँ मार्कस का लगातार ट्रीटमेंट चालू था। मार्कस के सामने उसके फादर के बड़े भाई मौजूद थे। लड़ाई के दौरान मार्कस के पैर पर बहुत ही ज्यादा चोट आई थी और अब उसे कुछ दिनों तक आराम ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मार्कस रिकवर करने लगा था। अब यहाँ मार्कस के अंकल उसे लेकर एक फाइटिंग अरीना में आ गए थे जहाँ पर अलग अलग गाँव के फाइटर्स आकर लड़ाई किया करते थे। मार्कस के फादर मर चुके थे इसीलिए वो अपने अंकल से अपने फादर के बारे में कुछ बातें पूछता है। मार्कस के अंकल बता रहे थे कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा बहादुर और बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। वो कोई भी डिसीजन बहुत ही जल्दी लेकर उसके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देते थे और दौर उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम तक ईगल की मूर्ति को सेव किया था। दरअसल ईगल की मूर्ति रोमन साम्राज्य की एक बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती थी जो अगर उनके पास रहेगा तब उन्हें फाइटिंग में कोई भी नहीं हरा सकता था। लेकिन जब मार्कस के फादर नॉर्थ ब्रिटेन में अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे तभी दुश्मनों के हमला करने की वजह से उसके फादर मारे गए और उन्हीं के साथ वो ईगल की मूर्ति हमेशा के लिए खो गई। यहाँ मन ही मन में मार्कस ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर के लिए ईगल की पवित्र मूर्ति को ढूंढ कर ही रहेगा। अब उसी अरीना में एक ब्रिटिश आदमी को लाया जाता है जिसे कि अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन वो ब्रिटिश आदमी किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने सारे हथियार भी फेंक दिए होते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे लोग ये मांग करने लगे थे कि उस ब्रिटिश आदमी को मार दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से पहले ही मार्कस ने सभी को रोक दिया था और अब वो उस ब्रिटिश आदमी को ना मारने के लिए कहता है। अब वही आदमी जिसका नाम आयरिस होता है वो मार्कस के घर पर आ गया था। क्योंकि मार्कस ने आयरिस की जान बचाई है इसीलिए अब वो उसका गुलाम है। अब रात होने पर सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। तभी मार्कस को एक न्यूज पता चलती है कि नॉर्थ रोमन में एक बहुत ही बड़ी दीवार है जिसके पीछे कुछ ऐसे खतरनाक आदिवासियों के कबीले मौजूद हैं जिनके पास वही पवित्र ईगल की मूर्ति होने के चांसेस हैं। और तो और जो भी बड़ी दीवार के उस पार जाता था वो आज तक कभी लौट कर ही नहीं आया, यानी कि वो सारे आदिवासी ईगल की मूर्ति का यूज करके काफी पावरफुल हो गए थे। मार्कस ये सारी बातें सुनकर कन्विंस हो गया था कि वो वहां जाकर अपने फादर के लिए ईगल की मूर्ति को लेकर आएगा। लेकिन मार्कस के अंकल ने उसे साफ साफ बता दिया था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। वो आदिवासी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो इंसानों के बॉडी पार्ट्स काट कर जिंदा निगल जाते थे। पर तभी भी मार्कस सिर्फ एरिस के साथ वहां जाने का डिसाइड कर लेता है। कुछ ही देर बाद ही वो दोनों नॉर्थ रोमन के लिए निकल पड़े थे। आयरिस को बहुत ही अच्छी ब्रिटिश आती थी इसीलिए मार्कस उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। नॉर्थ रोमन में उस बड़ी दीवार के पास पहुंचने के बाद वहां पर सारे सोल्जर्स खड़े थे। वो सब मार्कस को बताते रहते हैं कि आज तक जो भी अंदर गया वो कभी भी बाहर लौट कर आया ही नहीं। लेकिन मार्कस के लिए ये सारी चीजें अभी मैटर नहीं करती थी। दीवार का बड़ा सा दरवाजा खोलते ही मार्कस और आयरिस अपने घोड़े पर बैठकर अंदर चले जाते हैं। वहाँ की सारी जगह पूरी तरीके से खाली थी। अब मार्कस और आयरिस थोड़ी देर आराम करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जंगल के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो उन दोनों की जान लेना चाहती होगी। तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर एक आदमी ने हमला कर दिया था। हालांकि उसके पास हथियार भी होते हैं, लेकिन मार्कस और आयरिस ने मिलकर उसे बुरी तरीके से पकड़ लिया था और अब मार्कस उसे जान से मारने की धमकी देकर ये बुलवा लेता है कि आदिवासियों का कबीला कहां पर मौजूद है। प्रॉपर लोकेशन मिलने के बाद वो दोनों निकल पड़े थे उसी रास्ते पर। मार्कस और आयरिस लगातार
नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ते ही जा रहे थे। हालांकि रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन मार्कस को कैसे भी वो पवित्र ईगल की मूर्ति हासिल करनी थी। अब रास्ते में मार्कस और आयरिस को एक अनजान आदमी मिल जाता है। मार्कस ने तो उस आदमी को दुश्मन समझकर उसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्कस को ये पता चल जाता है कि वो अनजान आदमी एक रोमन सोल्जर है। अब मार्कस उस सोल्जर से कुछ पूछताछ करने लगता है। दरअसल ये सोल्जर सालों पहले उस ग्रुप में काम किया करता था जिसमें कि मार्कस के फादर लीडर थे। वो आदमी मार्कस को बताता है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा बहादुर थे और उन्हीं के पास वो पवित्र ईगल की मूर्ति मौजूद थी। लेकिन बहुत सालों पहले जब उनका ग्रुप नॉर्थ ब्रिटेन गया था तब उनके ऊपर खतरनाक आदिवासियों ने हमला कर दिया था। उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी ना कि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। आदिवासियों ने तो तुम्हारे फादर को भी पकड़ लिया था, इसमें वो कुछ कर ही नहीं पाया। और तो और आदिवासियों ने पवित्र ईगल की मूर्ति अपने पास रख ली थी। मार्कस उस आदमी से मूर्ति का लोकेशन पूछता है। तब उस आदमी ने सीधा ये कहा कि इस बारे में तुम अपने दोस्त आयरिस से ही पूछो, यानी कि आयरिस इन सारी चीजों के बारे में बहुत पहले से जानता था। मार्कस आयरिस पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। आयरिस एकदम गुस्से में कह रहा था कि तुम्हारे फादर की टीम हमारे पूरे बस्ती वालों को खत्म करने आई थी और इसीलिए बस्ती वालों ने तुम्हारे फादर को मार दिया। इन्हीं सारी बातों की वजह से मार्कस और आयरिस में झगड़ा चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मार रहे थे, पर तभी उस जगह पर बहुत सारे खतरनाक आदिवासी आ जाते हैं। उन लोगों ने मार्कस और आयरिस को पूरा घेर लिया था। आयरिस को ब्रिटिश आती थी इसीलिए वो उन आदिवासियों से कुछ बातें करने लगा था। आयरिस ने उन्हें ये कहा कि वो ब्रिटिश चीफ का बेटा है और मार्कस उसका गुलाम है। ये बातें सुनने के बाद सारे आदिवासी एकदम से शांत हो गए थे। ब्रिटिश चीफ का बेटा होने की वजह से आयरिस को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। वहीं मार्कस के साथ सारे आदिवासी बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे थे। उसे वहां पर मौजूद सारा काम करना पड़ता है, लेकिन मार्कस भी ये सारी चीजें समझ रहा था, क्योंकि अगर उन आदिवासियों को ये बात पता चल गई कि आयरिस किसी भी चीफ का बेटा नहीं है तब आदिवासी लोग मार्कस और आयरिस दोनों को ही खत्म कर देंगे। अब एक रात सारे आदिवासी लोग एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सब तो थोड़ी ही देर में नशे वाली ड्रिंक पीकर सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आयरिस और मार्कस यहाँ से निकलना चाहते थे। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मार्कस को पवित्र ईगल की मूर्ति मिल गई थी जो उन आदिवासियों के पास ही मौजूद होती है। मार्कस तुरंत उस मूर्ति को ले लेता है और आयरिस के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी उन आदिवासियों में से एक छोटा लड़का उनके पास आ गया था और कह रहा था कि वो भी उसे अपने साथ लेकर चले, क्योंकि अब उसने तुम दोनों को जाते हुए देख लिया था और अगर ये बात उसने अपने आदिवासी मेंबर से नहीं बताई तब वो सब उसे मार देंगे। लेकिन मार्कस और आयरिस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो दोनों अपने घोड़े पर बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ टाइम बाद जब सारे आदिवासियों को होश आता है तब उन्होंने देखा कि आयरिस और मार्कस यहाँ से गायब है और तो और उनकी पवित्र ईगल की मूर्ति भी मौजूद नहीं है। इसीलिए वो सारे आदिवासी एकदम से पागल होकर उन दोनों का लगातार पीछा करने लगे थे। वहीं मार्कस और आयरिस अपने घोड़े पर बैठकर लगातार सफर तय करते रहते हैं। रास्ते में उन्हें बर्फीले तूफान और कड़ी बारिश का भी सामना करना पड़ा था जिससे कि दोनों की बॉडी की एनर्जी एकदम से खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अब यहाँ पर मार्कस के पैर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता, इसीलिए मार्कस आयरिस से कहता है कि वो इसे यहीं पर छोड़कर चला जाए क्योंकि उसके चक्कर में आयरिस की भी जान चली जाएगी। लेकिन आयरिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर मार्कस बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। आयरिस मार्कस के लिए गुलाम बनने की कसम वापस लेता है और वहाँ से चला जाता है। मार्कस एकदम अकेला हो चुका था, लेकिन अब मार्कस के हाथ में पवित्र ईगल की मूर्ति मौजूद थी जो कुछ सालों पहले उसके फादर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब अगले दिन ये दिखाया जाता है कि आयरिस बहुत सारे सोल्जर्स के साथ मार्कस को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इन पूरे सोल्जर्स की टीम में वो भी मेंबर शामिल थे जो सालों पहले मार्कस के फादर के साथ काम किया करते थे। वो सब मार्कस के पास पहुंचकर उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो सब पवित्र ईगल की मूर्ति को सही सलामत बस्ती में लेकर जाएंगे। लेकिन उन सभी का ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि अब उनके सामने वही खतरनाक आदिवासियों की पूरी टीम आ गई थी। आदिवासियों का लीडर आयरिस को कहता है कि तुमने धोखा देकर अच्छा नहीं किया और अब तुम सारे लोग मारे जाओगे। सबसे पहले उन आदिवासियों का लीडर अपने ही बेटे को बुलाता है जिसने कि मार्कस और आयरिस को भागते हुए देखा था, और अब उस लीडर की बेटी ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी, इसीलिए वो अपने ही बेटे को लाकर जान से मार देता है। ये देखकर मार्कस और उसकी पूरी टीम ने आदिवासियों पर हमला कर दिया था। दोनों ग्रुप्स में बहुत ही ज्यादा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर अब मार्कस के पास पवित्र ईगल की मूर्ति मौजूद थी, यानी अब उसे फाइटिंग में कोई भी नहीं हरा सकता था। मार्कस अपनी पूरी सोल्जर्स की टीम के साथ आदिवासियों से बड़ी बहादुरी से लड़ता है और उसने कुछ ही मिनटों में आदिवासियों के लीडर को खत्म करके ये जंग जीत ली थी। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद
मार्कस आयरिस के साथ वो पवित्र ईगल की मूर्ति अपने अंकल के पास ला देता है, जिससे कि मार्कस के फादर का सपना हमेशा के लिए पूरा हो चुका था। मार्कस के अंकल कहते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा बहादुर थे और उनके जैसा आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ था, पर तुम में उनकी झलक दिखती है। और अब मार्कस की इतनी अच्छी लीडरशिप और इतनी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उसे हमेशा के लिए रोमन सेना का लीडर बना दिया जाता है। मार्कस इस बात से बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। आयरिस भी मार्कस की टीम को ज्वाइन कर लेता है और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरी ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।